गैस इंडिया में और ग्लोबल में काफी सारे ऐसे डिवाइस है जिनके अंदर से यहाँ पर एक जो फीचर है हाइपरस के अपडेट्स के आने के बाद वो मिसिंग हो चुका है। यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर स्क्रीन ऑफ वाला जो फीचर है, जब हम यहाँ पर स्क्रीन ऑफ करके यूट्यूब के वीडियोस को प्ले करते थे, वो फीचर जो है वो ऑलमोस्ट सारे डिवाइसेज में यहाँ से जा चुका है। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसी ट्रिक्स हैं जिनकी मदद से ये फीचर जो वो आप इनेबल कर सकते हो। आप देखोगे मैंने इस डिवाइस के अंदर ये फीचर जो वो यहाँ पर अभी भी स्टिल इनेबल करके रखा हुआ है, जिससे स्क्रीन ऑफ हो जाता है। अगर आप यहाँ पर यूट्यूब पे वीडियोज देख रहे हो या फिर मतलब कुछ और कर रहे हो, तो डायरेक्टली ये चीज जो वो यहाँ से आप इनेबल कर सकते हो, क्योंकि ये कुछ ही सिलेक्टेड डिवाइसेज में काम कर रहा था। लेकिन मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिसकी मदद से आप इस फीचर को दोबारा से इनेबल कर सकते हो और आप अपने रेडमी Xiaomi और पोको के किसी भी डिवाइस में एक्सेस कर सकते हो। तो कैसे इनेबल करना है, इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी दो जो ट्रिक है वो बताने वाला हूं जिनकी मदद से आप इस फीचर को इनेबल यहां से कर पाओगे। ये वीडियो लास्ट तक का देखते रहिए, चैनल पर अगर पहली बार है तो इसको सब्सक्राइब कर लें, और भाई वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर दें। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पर मेरे पास काफी सारे डिवाइस हैं जिनमें मैं आपको दिखाता हूँ, ये फीचर किसी भी डिवाइस में आपको देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ से आप अगर इसको इनेबल करोगे तो सारे फीचर्स तो मिल जाएंगे, लेकिन ये फीचर स्टिल मिसिंग है जो कि आपके रेडमी Xiaomi और पोको के किसी भी डिवाइस में यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। मैं सारे ही डिवाइस में आपको ट्राई करके यहाँ से दिखाता हूँ, क्योंकि Xiaomi ने इस फीचर को ऑलमोस्ट सारे डिवाइसेज से यहाँ पर रिमूव कर दिया है, जो कि देखने को आप यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। तो आप देखोगे काफी सारे डिवाइस है जिनके अंदर ये फीचर स्टिल अभी भी मिसिंग है, लेकिन मैं आपको इनेबल करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से आप इस फीचर को यहाँ पर इनेबल कर सकते हो। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, देखो भाई उसके लिए दो बहुत सिंपल सी और बहुत छोटी सी ट्रिक्स हैं जिनकी मदद से ये फीचर जो है वो आप अपने Redmi, Xiaomi और Poco के किसी भी डिवाइस के अंदर यहाँ से इनेबल कर सकते हो। फीचर्स यहाँ पर काफी ज्यादा मिल जाते हैं, Dolby Atmos का सपोर्ट है और भी बहुत सारे सपोर्ट है, वो सारे फीचर्स मिल जाते हैं। लेकिन यार यहाँ पर ये जो फीचर है सिस्टम में से वो Xiaomi ने यहाँ से रिमूव कर दिया है, जो कि ऑफ स्क्रीन यूट्यूब का यहाँ पर फीचर आता है। तो देखो भाई उसको इनेबल करने के लिए हमें क्या करना है, उसके लिए हमें बहुत छोटी सी ट्रिक जो है उसको अप्लाई कर लेना है अपने डिवाइस में, जिसकी मदद से ये फीचर आपको 110% आपके डिवाइस में यहाँ पर बैक आ जाएगा। तो कौन सी ट्रिक है और कैसे अप्लाई यहाँ पर करना है, तो चलो मैं आपको लाइव करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से ये चीज काम करती है। देखो भाई उसके लिए यहाँ पर एक सिक्योरिटी ऐप का लेटेस्ट अपडेट आया हुआ है, जिसकी वजह से ये फीचर जो है वो यहाँ से मिस हो चुका है, मतलब Xiaomi ने इसको हटा दिया है। तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आप सिक्योरिटी का जो ऐप है इस पर टैप एंड होल्ड करेंगे और यहाँ पर एप्स में चले जाएंगे, जो एप्स इन्फो होती है, और वहां पर से जाकर यहाँ पर ये जो सिस्टम जो अपडेट है जो इसको अनइंस्टॉल कर देना है। जैसे कि इस पर आप अनइंस्टॉल करोगे तो ये फीचर कुछ डिवाइसेस में सिर्फ इतना करने से वापस आ जाएगा। जैसे कि अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे वापस आ रहा है, उसके लिए यहाँ पर ये जो साइड बार है वो भी चला गया है। जैसे भी आप इसको अनइंस्टॉल करोगे तो ये जो साइड बार है वो यहाँ से गायब हो जाएगा। उसके बाद एक बार आप सेटिंग में चले जाना, उसके बाद फिर बैक चले जाना, तो देखना ये साइड बार जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। देख सकते हो ये साइड बार जो है वो यहाँ पर आ चुका है। अब अगर आप यूट्यूब ओपन करोगे और इसके बाद यहाँ पर से इसको करोगे तो आप देखोगे ये फीचर यहाँ से वापस आ चुका है। अब जैसे कि मैं यहाँ पर एक अपना ही वीडियो प्ले करके दिखा देता हूँ, ये काफी ओल्ड वीडियो है, तो आप देख सकते हैं ये वीडियो यहाँ पर प्ले हो चुका है। अब मैं आप इसको स्क्रीन जो है वो ऑफ करके दिखा देता हूँ। देखो फर्स्ट टाइम इसको जब इनेबल करोगे तो ये इंस्ट्रक्शन देगा, मतलब पहली बार जब आप इसको इनेबल करोगे, इस फीचर को वापस लाओगे, तो यहाँ पर ये इंस्ट्रक्शन देगा। आप देख सकते हो यहाँ से ये फीचर जो है वो जा चुका, मतलब स्क्रीन ऑफ हो चुका है। अब मैं जैसे भी ऑन करूंगा यहाँ से देख सकते हो वीडियो चलता ही मिलेगा, मतलब मैंने डिस्प्ले पर टच भी नहीं किया है। फिर से मैं एक बार आपको ट्राई करके दिखाता हूँ, आप देख सकते हो ये ऑफ हो चुका है। यहाँ पर मैं इसको अनलॉक करूंगा तो वीडियो यहाँ पर स्टार्ट मिलेगा, आप देख सकते हो। तो एग्जैक्टली यार ये फीचर यहाँ पर वर्क कर रहा है। अगर इस ट्रिक से भी आपका ये फीचर यहाँ पर वापस नहीं आता है तो एक और मेरे पास ट्रिक है जो कि 100% वर्किंग है, जो कि Redmi, Xiaomi, Poco सारे डिवाइस में है। Redmi Note 10s यूज करते हो, 11 यूज करते हो, कोई सा भी डिवाइस हो, ये सब में काम करती है। तो उसके लिए देखो पहले क्या करना होगा, सबसे पहले आपको यही प्रोसेस दोबारा से करना होगा अगर आपके डिवाइस में ये फीचर नहीं आ रहा है तो। अगर आप इसको क्या करेंगे, यहाँ से अनइंस्टॉल कर देंगे। देखो मैं तो अनइंस्टॉल कर चुका हूं, तो यहाँ पर अनइंस्टॉल का ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर एक फाइल भी मैंने आपके लिए निकाल कर रखी है, तो ये वाली जो फाइल है वो मैंने आपके लिए यहाँ पर निकाल के रखी है। ये जो है सिक्योरिटी जो सेंटर है इसकी फाइल है, मतलब यहाँ पर ये जो सिक्योरिटी ऐप है उसकी ही फाइल है, और ये स्पेशली Redmi Note 10s में काफी अच्छे तरीके से काम करती है। तो आपको क्या करना होगा, एक बार आप इसको डाउनलोड कर लेना, डाउनलोड कर लेना, डाउनलोड करके इस फाइल को जब इंस्टॉल करोगे तो भी ये फीचर वापस आ जाएगा। लेकिन अगर, क्योंकि यहाँ पर जो कुछ डिवाइस ऐसे हैं जिनको यहाँ पर ये अनइंस्टॉल करके अगर फीचर ये वापस नहीं आ रहा है, तो उसके लिए ये दूसरी वाली ट्रिक आप ट्राई करो, जिससे मालूम क्या होगा, जिससे ये फीचर 110% वापस आ जाएगा। मैं आपको इंस्टॉल करके भी अभी इस फाइल को दिखा रहा हूँ यहाँ से, तो चलो इसको एक बार जो पूरी डाउनलोड हो जाने देते हैं। ये डाउनलोड हो चुकी है, अब हम इसको यहाँ से अपडेट कर लेते हैं। तो जब आप इसको अपडेट करोगे तो भी यहाँ पर आपका ये फीचर वापस आ जाएगा। ये ट्रिक जो है वो उन लोगों के लिए है सेकंड वाली, जिनके फोन में यहाँ पर ये अनइंस्टॉल करने से ये चीज जो है वापस नहीं आ रही है, तो वो लोग क्या करेंगे, वो लोग जो है वो डायरेक्टली इस फाइल को इंस्टॉल करेंगे, तो उनको ये फीचर यहाँ से मिलेगा। अब जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से, आप जैसे कि मैं यूट्यूब में गया और यहाँ पर आप देखोगे इस तरीके से ये फीचर आप देख सकते हो, यहाँ से ये वापस यहाँ पर आ चुका है, जो कि वर्किंग में है।
देख सकते हो आप ये फीचर जो है वो आराम से वर्क कर रहा है। कोई भी वीडियो वगैरह अगर आप प्ले करोगे तो जैसे कि मैंने फिर से यहाँ पर इंस्टॉल किया है, अब यहाँ से ये चीज काम कर रही है। तो ये दो ट्रिक बहुत अच्छी है। देखो पहली वाली ट्रिक क्या है, एक बार फिर से समझ लो आप। पहले इसको आपको क्या करना है, जिन लोगों के मतलब ये अपडेट नहीं आ रहा तो उसको क्या करना, सबसे पहले इसको अनइंस्टॉल कर देना जाके। तो आप जब दोबारा से चेक करोगे जाके तो ये फीचर मिल जाएगा। लेकिन जिन लोगों को ये अनइंस्टॉल करने के बाद भी नहीं मिल रहा तो उन लोगों को ये वाली फाइल को इंस्टॉल करना पड़ेगा, जो कि मैंने आपको यहाँ पर टेलीग्राम पर शेयर कर दी है। आप डायरेक्टली डाउनलोड करके इस फाइल को इंस्टॉल कर लो ना, और उसके बाद ये फीचर आपके फोन में यहाँ पर वापस आ जाएगा, जिससे क्या होगा आप यहाँ पर YouTube वाला वीडियोस प्ले कर सकते हो ऑफ स्क्रीन में। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें कि भाई यहाँ पर और दूसरे जो डिवाइस हाइपरस वाले हैं उनमें ये काम करेगा नहीं करेगा, तो उनमें भी कुछ डिवाइसेस में काम कर रहा है, कुछ में नहीं कर रहा है। तो ये वाली जो ट्रिक मैंने आपको बताई है वो ट्राई करके आप देख लेना, इसमें ये चीज जो है वो वापस आ जाती है और अच्छे तरीके से यहाँ पर ये काम भी करती है। तो ये चीज काफी अच्छी है। कुछ डिवाइसेस ऐसे भी हैं जिनमें ये चीज जो है वो आप कुछ भी कर लो वापस नहीं आने वाली है, लेकिन कुछ डिवाइसेस में ये 100% जो है फ्लैश हो रही है। और MIUI 14 के जितने भी डिवाइस है उसमें अच्छे तरीके से काम कर रही है, लेकिन जो हाइपरस के डिवाइस है उनमें कुछ डिवाइसेस में चल रही है, कुछ में नहीं चल रही। तो अगर आपके फोन में ये चीज जो है वर्क नहीं कर रही है ये सारे प्रोसेस करने के बाद भी, तो आप डायरेक्टली उसका जो नाम है अपने डिवाइस का वो कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो। तो उसके बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन होगी मैं आपको बता दूंगा कि आपको इसको कैसे इनेबल यहाँ से करना है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, चैनल पर अगर पहली बार है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन।